तैयारी अभी काट के रख देती हूँ क्योंकि जाना है बाहर। और खाना हो गया, आज था ब्राउन राइस और मसूर की सब्जी। अभी सब ये समेटना है, उसके बाद जा रहे हैं हम बाहर। कहाँ जा रहे हैं वो आगे चल के आपको पता चल जाएगा। हम समेट लेती हूँ, उसके बाद में मिलती हूँ। ये देखो मामू क्या कर रही है। मामू हाय कर। टीवी ना आता बंद, आपल्याला जायचंय बाहेर। मामू चा टीवी बंद होता। टीवी बंद होता। आता आपण कुठे चाललो? बाहेर चाललो बाहेर। और ये देखिए, इसे थोड़ा अवॉइड कीजिए अभी क्योंकि दो तीन दिन से बारिश इतनी लगी है ना कि कपड़े इन्हें सूख रहे थे, तो मैंने यहाँ फैन के नीचे थोड़े डाल दिए। अभी ये सूख गए हैं, इसे भी मुझे निकालना है। इसे अभी तैयार करती हूँ। नीनी ना करायचं, आपण भूर जायचं कुठे? मिस्टी कडे। हा चल, मग आपण नाव नाव करूया। चल ये नाव नाऊ। चल इकडे जायचं नाव नावला। नाव नावला कुठे जायचं? कुठे जायचं नाव नावला? ते सगळं मी ठेवते, नको ठेवू। नको ठेवू पिल्लू, जागा रखे आएगी अंदर। उसे हर एक चीज ना अपने अपने जगह पर लगती है। तो यहाँ पर बोल के दिखा बर्तन, तो वो जाकर बेसिन में डाल के जैसे फेंक करती है, बहुत हेल्प करती है। चल नाव नाव कर रिया। बुबू चलो। आपको ना एक बात बताती हूँ, कल ये डो लेके खेल रही थी और मैं कल बहुत बिजी थी काम में, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि विवेक यहाँ पर थे, इसके साथ खेल रहे थे। और बाद में शाम के वक्त मतलब सोने के टाइम ये नाक को ऐसे मसल रही थी, तो मुझे लगा ये डो जो है इसे नाक में तो नहीं डाल दिया क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा था कि कहाँ लगा है क्या। और ये बोल रही थी मम्मा बुबू मम्मा बुबू, तो मुझे लगा अंदर कुछ डाल दिया है या इसने, ऐसा लग रहा था। लेकिन बाद में आज सुबह देखा मैंने, तो यहाँ पर देखिए इसे थोड़ा सा रैश हुआ है, तो ये शायद उसे दुख रहा था और हम डर गए कि अंदर कुछ इसने डाल तो नहीं दिया नाक में। तो इसलिए ऐसे बच्चों के साथ होता रहता है और पेरेंट्स एज यूजुअल परेशान होते रहते हैं। माऊ फोन दे हो? तैयार हो गई है माऊ का खाना। पानी तो वहां पर है, थोड़े चॉकलेट्स। वेयर इज योर स्पेक? मोबाइल में पानी का एक ग्लास ले लेती हूँ अभी। फोन छोड़। फोन नहीं लेने का। माऊ पैसा कुठे है तुझा? दाखव पैसा। पैसा का नाही दाखव। नाही दाखव ना। नो नो मम्मा नो, है ना। चलो ऑल डन। मेरा मोबाइल मास्क तो वहाँ पर लटके हैं, तो चलिए। सो गाइस सारा कुछ ले लिया है जो कि माऊ को लगता है, बाकी तो अभी जस्ट उसने खाना खाया है, दोपहर का टाइम है। हमारा भी खाना अभी जस्ट हो चुका है। अभी उबर बुक करेंगे और जाएंगे क्योंकि वहाँ पर थोड़ा हमें काम है, इसलिए हमें जाना पड़ रहा है वहाँ पर। ये सडनली प्लान बन गया हमारा वहाँ पर जाने का, वरना सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट कर देते। तो सोचा चलो आज ट्रैवल ब्लॉग बहुत दिनों के बाद। और यहाँ पर लॉकडाउन वैसे हट चुका है, 4 बजे तक दुकान वगैरह सब चालू है यहाँ पर, तो अभी उतना कुछ नहीं है और कोविड केसेस भी यहाँ पर काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। तो चलिए अभी विवेक तो काफ़ी अच्छे से रेडी हो चुके हैं, अभी आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए, ये शर्ट मैंने लिया था, आप बताइए इसका कलर कैसा है। और अभी थोड़ा दो तीन बार पहन चुके हैं तो, लेकिन कलर जाता नहीं है ना इसका। नहीं, नहीं, नहीं। कलर काफ़ी अच्छा है। अरे तुम काफी दिन के बाद रेडी हुए हो इतने अच्छे से, तो इसलिए दिखा रही हूँ। इनको आज बहुत टाइम मिला था, इसलिए इन्होंने खुद के ऊपर टाइम बहुत सारा खर्चा कर दिया और इस वजह से अभी हमें लेट हो चुका है, तो हम जल्दी जल्दी जाते हैं। चलो फिर आगे इतना टाइम भी नहीं मिलता। माऊ देखो कैसे तैयार होके बैठी नीचे। चल मास्क घाल, शू घाल, चला मिष्टी कडे जाऊया ना। मिष्टी कडे जाऊया ना, मग चला। आज शायद माऊ का अच्छा मूड नहीं है, बहुत शान शान बैठी है।
अभी जैसे उसका टीवी हमने बंद कर दिया तो इसलिए ये थोड़ा उदास प्राणी है, अभी उदास हो चुका है। तो चलिए अभी निकलते हैं, वहां जाके मिलती हूँ आपको। सफर में माऊ का साथी टॉम इसे लेकर ही जाती है हमेशा। अरे थी माऊचा वाला, पिछले टाइम में टॉम वहीं पर भूल के आई थी मुलुन में, तो आते वक्त इसने तो मेरा मतलब जीना हराम कर दिया था, टॉम 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 करके, है ना। चला पिक्स यहाँ पर लगा दूंगी वीडियो में, आगे या पीछे कहीं पर भी लगा दूंगी। और हाँ, मैंने आपको बताना भूल गई, मैं हम जा रहे हैं मुलुंड, जहाँ पर जिनको नहीं पता है उनको बता देती हूँ, मुलुंड मुंबई में एक प्लेस है, वहाँ पर हम जा रहे हैं। और हमारा जो माड़ा का जो फ्लैट है लगा हुआ, उसका काम स्टार्ट है, तो उसी से रिलेटेड कुछ काम था इसलिए हम जा रहे हैं अभी। चलिए आपको भी लेकर चलते हैं। आओ बुढ़ा जी, हाँ चल चल चल, क्या करता है दोगो? सीवर प्रॉपर्टी देख रहे हैं, देख पर देख बोलू बोलू, वो दोनों देख रहे हैं प्रॉपर्टी। मैं आई हूँ यहाँ अंदर बेडरूम में, और अभी इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। आज का दिन पूरा खत्म हुआ, और यहाँ आकर हमें आई थिंक 5-6 घंटे के ऊपर हो गया है। शाम के टाइम ही आए थे हम, 3-4 बजे निकले थे, आने में 1 घंटा लगता है, 1 घंटा नहीं आधा पौना घंटा लगता है। आने के बाद यहाँ पर कोई पहचान का है, उनको मिले मिल के आए, उनके यहाँ पर जाकर बैठे थे, फिर उनसे मिलकर घर आए, फिर वो लोग हमारे घर आए। तो वो पहली बार हमारे घर आए थे, तो हमने थोड़ी छोटी सी एक ब्रेकफास्ट नहीं कह सकते, स्नैक्स की एक छोटी सी पार्टी की, और बातें करने बैठ गए हैं।
तो बातें हमारे अब खत्म हुई और अभी वो चले गए। हम भी सोच रहे कि अभी चले जाते हैं हम भी, क्योंकि घर में वैसे तो घर अभी ठीक ठाक है, पूरा क्लीन किया है, लेकिन काम तो अभी भी चल रहा है। कलर का काम स्टार्ट है अभी घर का, तो यहाँ पर रह नहीं सकते, तो इसलिए अभी हम जाएंगे। और शाम का भी 8 बजे है, और अभी मतलब दो टाइम ऐसे निकले हमारे कि हमें यहाँ से जाने में लेट होता है। तो वैसे तो देखकर हम चले जाते हैं, मतलब जो काम है वो करके चले जाते हैं, लेकिन कुछ पहचान के लोग हैं यहाँ पर ऐसे कि उनसे बातें करने बैठ गए तो बैठ ही गए। तो ऐसे ही हुआ, वो लोग आए तो हमने थोड़ा सा बाहर से मंगवाया था, छोटी सी पार्टी हुई और सब बातें कर रहे थे हम, तो इसी में टाइम का पता ही नहीं चला। अभी वो चले गए, यही बाजू की बिल्डिंग में रहते हैं, मतलब 5C में। तो जी हाँ, ये था कुछ छोटा मोटा सा वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग स्टार्ट किया है, तो सोचा बाहर जा रहे हो तो बाहर का ही व्लॉग स्टार्ट करती हूँ कि थोड़ा फ्रेश भी लगेगा। और आने का कोई प्लान नहीं था यहाँ पर, लेकिन सडनली एक काम आ गया तो हमें आना पड़ा यहाँ पर, तो वो काम भी हो गया और मिलना भी हो गया। तो ऐसे ऐसे हुआ, आज का दिन चला गया। माओ ने बहुत इंजॉय किया, और यहाँ पर भी थोड़ा सा फोटोशूट चल रहा था इन दोनों का। अभी खेल रहे हैं वो दोनों बाहर, तो मैंने सोचा कि वीडियो पे एंड कर देती हूँ। काफ़ी थक गए आज, अभी घर जाकर वैसे तो खाना कुछ नहीं है, यही हमारा मतलब ऑलमोस्ट डिनर ही आप कह सकते हो चुका है, लेकिन फिर भी माऊ को घर जाकर, माऊ का तो खाना है घर में अभी, वही उसे दे दूँगी। मुझे नहीं लगता वो खाना खाएगी, क्योंकि अभी जाते वक्त ही वो सो जाएगी, क्योंकि दोपहर में वो सोई नहीं है, तो अभी वो जाकर सो जाएगी, शायद गाड़ी में सो जाएगी। और उसका ये एक है कि रास्ते में भी जाते वक्त वो सो गई ना, तो घर जाकर उठती नहीं, और उठाया तो रोने लगती है, मतलब थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, तो इसलिए सब मैं उठाती नहीं है। वैसे भी डॉक्टर भी कहते हैं कि बच्चों की नींद जो है वो डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, अगर भूखे हैं तो भूखे ही सही, लेकिन उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए नींद से, तो वही मैं करती हूँ। फिर वो रात में कभी उठ गई तो उसे पानी जूस वगैरह देती हूँ। वैसे भी वो पता नहीं मैंने ब्लॉग में बताया है या नहीं, लेकिन वो अभी दूध पीना उसने छोड़ दिया है, आई थिंक 1.5 साल हो गया उसने दूध पीना छोड़ दिया, वो दूध नहीं पीती है। तो उसका जूस, कर्ड, परत अपना छाछ, यही सब वो पीती है। अभी बारिश के सीज़न में उसका कर्ड भी थोड़ा कम कर देती हूँ, लेकिन मैं कर्ड उसे देती हूँ बारिश में भी, क्योंकि उसे आदत है, वो 12 महीने कर्ड खाती है और उससे उसे कुछ होता नहीं है, तो देती हूँ लेकिन कम मात्रा में देती हूँ अभी। तो जी हाँ, ये था मेरा छोटा मोटा सा वीडियो। मैं बातें करने बैठ गई तो बहुत सारी बातें करती हूँ आप लोगों से, तो ज़रूर बताइए, काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो शूट किया है मैंने, ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना हाँ। और उसी से मुझे मैं इंस्पायर होती हूँ, आपके कमेंट से ही मैं इंस्पायर होती हूँ, और मैं ब्लॉग और भी अच्छे से बना पाती हूँ। जैसे कि अभी ऑलमोस्ट ब्लॉग मैंने बंद ही कर दिया था, लेकिन जैसे कि मैंने परसों कहा, एक कमेंट आया, बहुत ही बड़ा कमेंट आया था, और आप काफ़ी लोग मेरे ब्लॉग का ही इंतज़ार करते रहते हो, तो इसलिए मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। जी हाँ, ज़रूर बताना। मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए और खाते पीते रहिए, खुश रहिए। मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय। और हाँ, और एक बार बताती हूँ, जिनको वीडियो अच्छा नहीं लगा वो डिसलाइक भी देके जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि लाइक ही करना है। बाय, गुड नाइट।